एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 7 के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें 2.5। जो 2.5 है वो किस पे है, हमारे पास है डेसिमल नंबर पे। तो डेसिमल नंबर कौन सा होता है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट का यूज हो, उसको क्या कहते हैं डेसिमल नंबर। जिसमें ये डेसिमल पॉइंट यूज हो रखा है उसको क्या कहेंगे डेसिमल नंबर। अब डेसिमल पॉइंट है, इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास होल पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे हमें डेसिमल पार्ट। ओके, और जो ये पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इस पूरे नंबर को क्या कौन सा नंबर कहेंगे डेसिमल नंबर। अब इसमें क्या रखा है, विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच इज ग्रेटर, की ग्रेटर कौन सा है। तो ग्रेटर में हमें चेक करना है कि इसको दो पार्ट है, एक तो होल पार्ट और एक कौन सा डेसिमल पार्ट। पहले चेक करना है पॉइंट के जो राइट हैंड साइड के अंदर है कितने डिजिट है, टू डिजिट है। इधर भी कितने करेंगे, टू। तो अपनी तरफ से क्या लगाते हैं एक जीरो। अब चेक करना है पहले होल पार्ट चेक करो कि कितना कितना है, जीरो जीरो। उसके बाद में हमारे पास क्या है पॉइंट, इधर भी क्या है पॉइंट। अब डेसिमल पार्ट में पहले फाइव आ रहा है, इधर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है ग्रेटर, फाइव वाला। तो 0.50 हमारा क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा। ओके, सेकंड के अंदर 0.80 दे रखा है, इधर 0.88 दे रखा है। पॉइंट के बाद में इसको अलग अलग डिजिट में पढ़ोगे, 88 नहीं करना, क्या करना है 0.88 पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना होल पार्ट चेक करो 0.0, उसके बाद में क्या यूज हो रहा है पॉइंट, और उसके बाद में यहाँ पे 8 है, यहाँ भी कितना है 8। नेक्स्ट फिर चेक करेंगे, अभी तक कोई पता नहीं है, 0 इधर है 8 इधर है। तो बड़ा कौन सा ग्रेटर कौन सा रहेगा 0.88, जिस साइड से ओपन है वो क्या रहेगा ग्रेटर पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, किसमें चेंज करना है रुपीज के अंदर चेंज करना है। तो पैसे को एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। मतलब एक की मल्टीप्लाई किससे हो गई 100 से। अगर मैं बात करूं एक पैसे की, कितने एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं, तो यहां पे 1 पैसा रहेगा और 1/100 इस साइड आके क्या हो जाता है डिवाइड। तो एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज। मतलब 100 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है 7 पैसे का है, 7 पैसे। तो 7 को डिवाइड कितने से करोगे 100 से, और किस में चेंज करना है डेसिमल में। ओके, तो डेसिमल में चेंज करोगे तो 7 ऊपर 7 to 7 रहेगा, 2 0 है तो 2 छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट यूज करना है। तो 7 है, 1 0 अपनी तरफ से यूज करोगे तो 1 और 2 टू डिजिट छोड़ के क्या लगाएंगे पॉइंट। तो 0.07 क्या हो जाएगा रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 रुपीज 77 पैसे। तो क्या आएगा 7 रुपीज तो है ही है, प्लस होएगा क्या चीज 77 पैसे। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कराएंगे क्या आएगा 100 से डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करेंगे 7 plus 2 77 लिखोगे, कितने जीरो है 2 0 है, 2 0 है तो 2 छोड़ के क्या यूज करना है पॉइंट। तो 1 2 2 डिजिट छोड़ के क्या यूज कर दिया पॉइंट, और अपनी तरफ से क्या लगा दी 0। इसको प्लस करना है, 7 को प्लस करेंगे, 7 एक होल नंबर है, इसके बाद में डेसिमल पार्ट को क्या यूज कर लिया हमने 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 यूज कर लिया हमने। और इसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में। इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 7 पॉइंट ये आ जाएगा। तो 7.77 क्या आ जाएगा रुपीज, ये हमारा क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। क्या करना है, सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना है, और फिर मीटर में वैल्यू आने के बाद उसको किस में चेंज करना है किलोमीटर के अंदर। तो ध्यान रखना 1 मीटर के अंदर जो सेंटीमीटर होते हैं वो कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और अगर मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे तो 1/ कितना हो जाएगा 100 मीटर। मतलब डिवाइड हो जाएगा किससे 100 से। अब हमें चेंज किसको करना है 5 सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 5/ कितना होगा 100। आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा सेम, नीचे 0 कितनी है 2 0 है तो 2 छोड़ के क्या लगेगा पॉइंट।
तो टू डिजिट छोड़ के क्या एक डिजिट तो है अपने पास, एक अपने पास क्या रहेंगे जीरो, एक क्या रह जाएगा पॉइंट, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर में 0.05 मीटर। अब मीटर को चेंज किसमें करना है, किलोमीटर के अंदर। तो क्या करोगे एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और अगर मैं बात करूं एक मीटर की तो 1/2 कितना होता है 1000 किलोमीटर होता है। ओके अब डिवाइड इस नंबर को किससे डिवाइड कर देना है 1000 को, तो 0.05 मीटर के अंदर 0.05 अपॉन में कितना आएगा 1000। ओके अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है तीन जीरो है नीचे, तो पॉइंट के बाद में तीन नंबर छोड़ने हैं, तीन डिजिट छोड़ेंगे और क्या लगाएंगे पॉइंट, या फिर कैसे कर सकते हो पॉइंट कट किया, ऊपर कितने नंबर डिजिट थे दो डिजिट थे तो नीचे कितनी जीरो यूज हो जाएगी 20 यूज हो जाएगी, तो अब ऊपर हमारे पास कितना था 5, अब नीचे जीरो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट छोड़ के क्या यूज करना है पॉइंट यूज करना है, तो 1 डिजिट तो है और 4 अपने पास से क्या यूज करेंगे जीरो, और पॉइंट लगा के क्या आएगा जीरो, ये हमारे पास किसमें आएगा आंसर है किलोमीटर के अंदर। ओके तो आंसर क्या है 0.00005 किलोमीटर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राइट द डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, किस फॉर्म में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड का मीनिंग क्या हुआ ओपन करके लिखना है इसको, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 2.03। अब एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर एक टेबल होती है डेसिमल नंबर के अंदर कि वंस टेंस हंड्रेड्स फिर थाउजेंड्स आता है फिर लाख फिर 10 लाख करोड़ ऐसे चलता है, पर डेसिमल नंबर के अंदर क्या होता है यहाँ पे वंस से पहले क्या होता है वंस टेंस इसके बीच में क्या होता है एक पॉइंट, जो राइट हैंड साइड रहती है वो क्या रहती है टेंथ हंड्रेड्स रहती है। ओके तो वंस की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, टेंस मतलब 10 वैल्यू, 100 का मतलब 100 वैल्यू, पर यहाँ पे टेंथ लिखा है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करनी होती है कोई नंबर होता है, और 100 था है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, देखो 2.03 है हमारे पास, ये पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट है, ये पार्ट है हमारे पास कौन सा रहता है होल पार्ट होता है, और ये पार्ट कौन सा होता है डेसिमल पार्ट होता है। तो 2 किस पे है, 2 पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन है यहाँ पे पहले 1 आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे हम 1 से, 2 की मल्टीप्लाई किससे 1 से, प्लस का साइन 0 किससे पॉइंट के राइट हैंड साइड, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड कौन सा स्टार्ट होता है टेंथ वाला, तो 1/ किससे करेंगे मल्टीप्लाई किसकी 0 की, 0 की मल्टीप्लाई किससे 1/10 से, फिर प्लस का साइन 3 की मल्टीप्लाई कौन सी पोजीशन पर है 1 और 2, सेकंड पोजीशन पे कौन आता है 100, तो 3/3 की मल्टीप्लाई किससे 1/100 से। ओके तो जो ये फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म हमारे पास है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर है वापिस हमें क्या मिल जाएगा 2.03। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6 एंड 2.7, इसके अंदर जितने भी सम रहेंगे वो 2.6 में मल्टीप्लाई के हैं और 2.7 में है जितने भी सम है वो किसके रहेंगे डिवाइड के रहेंगे। तो 2.6 से पहला क्वेश्चन है कि 0.2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 6 से, इसके अंदर एक बार ध्यान रखना इसमें पॉइंट को भूल जाना एक बार कि पॉइंट है ही नहीं, तो पहले क्या करोगे 2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना आंसर आएगा 12। अब ध्यान रखना पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के पूरी टर्म के अंदर, तो कितने डिजिट है 1 डिजिट छोड़ के है, तो क्या लगाओगे एक डिजिट छोड़ के क्या यूज कर देंगे पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, पॉइंट है पॉइंट को भूल जाना, 86 की मल्टीप्लाई कितने से कर दो 2 से, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 1, 7 और 2, पॉइंट कितने छोड़ के हैं कितने डिजिट है 2, तो राइट हैंड साइड से 1, 2 डिजिट छोड़ के क्या लगाएंगे हमारे पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास इसका क्या रहेगा इसका आंसर। ओके तो नेक्स्ट है 2.7 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्या है 0.4 को डिवाइड करना है कितने से 2 से, तो 0.4 लिखेंगे डिवाइड कीजिएगा क्या करोगे यूज मल्टीप्लाई का, 2 है 2 के नीचे कितना होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन कितना होगा इस चीज का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। ओके
तो कितना आएगा 1/2। अब पॉइंट एक छोड़ के पॉइंट एक भी छोड़ के पॉइंट था तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी हमारे पास 1 0। अब जैसे पीछे करते थे इस जीरो का तो कोई मीनिंग ही नहीं है तो इसमें क्या होगा 2 से 4 कैंसिल होगा कितने पे 2 पे। तो आंसर कितना है 2/10। डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो एक जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 डिजिट छोड़ के क्या लगाएंगे पॉइंट। न्यूमरेटर में कितना डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़ के क्या यूज करोगे पॉइंट का। ये हमारे पास क्या रहेगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट सेम टू सेम है 4.8 को डिवाइड करना है कितने से 10 से। 4.8 को डिवाइड करना है कितने से 10 से। इस तरीके से भी कर सकते हो एक ये भी मेथड है। तो 4.8 कट किया नीचे कितनी आ गई 2 0 तो 48/100। 2 0 छोड़ के क्या लगा है 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के क्या यूज करना है पॉइंट का। तो कितना आंसर आएगा 0.48। ये हमारे पास क्या रहेगा इसका आंसर। ओके सेम टू सेम नेक्स्ट है 7.9 को डिवाइड कितने से करना है 1000 से डिवाइड करना है। पॉइंट कट करोगे नीचे कितनी जीरो आ गई 4 0 तो 79 का कितना आएगा 79। अब देखो जीरो कितनी थी 4 1 2 3 और 4 तो 4 छोड़ के क्या यूज करोगे पॉइंट का यूज करना है तो कितना आ जाएगा 1 2 3 और 4.0। तो आंसर क्या आया 0.0079। ये हमारे पास इसका क्या रहेगा आंसर। ओके तो ये चैप्टर है क्लास 7 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये हमारा आज कंप्लीट होता है। इसकी 7 एक्सरसाइज थी वो सारी की सारी क्या हो गई है कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।